बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव पास नहीं। वर्षों के डिस्कशन में दो जनरल्स ने कहा कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं, गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी को। वो जो कहते हैं कि भी लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, ये क्या काम है भारत सुमा के लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। और आप जितना भी लोकगीत है, कहानी है, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें। एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहरा है, उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था। एक तरफ एक खंबा था, उस पर टांग दिया था उन्होंने, और तुमने ऐसा बना दिया कि जिससे बड़ा खतरनाक काम हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। ये सब मत करो, सीधे सीधे बैठोगे, तुम्हारी ये मांगे ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते। ये जो मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लो, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे, सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते एक दाम होता है, काटने चलते दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे, उसको ये देना नहीं चाहते, उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते हैं।